स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माई डियर स्टूडेंट्स, एक नया वीडियो लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि मैंने ऑलरेडी रिविजन स्टार्ट कर दिया है। 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट एवरीडे अपलोड कर रहा हूँ, तेलुगु भी अपलोड करूंगा, बेफिक्र रहिए। और 6th, 7th, 8th, 9th के लिए रीडर से, टेक्स्ट बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्लासेस के मैंने कर भी दिया है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। एक एक करके सारा मटेरियल S7 का आप तक मिलता रहेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जून से स्कूल रीओपन हुआ है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, गौर से सुनना है। जून से आपका स्कूल स्टार्ट हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, यहां से स्कूल आपका स्टार्ट हुआ है। चलिए ये हाफ मंथ हम ले लेंगे। हाफ मंथ को आपके बुक्स खरीदने में, बुक्स लेने में, नोट्स लेने में, वो बुक्स लेने में आपका टाइम गया होगा। चलिए एक 10 डेज इसके हम पकड़ेंगे, 10 डेज ले लेंगे। ये पूरा महीना आपको मिला है, ये पूरा महीना आपको मिला है, उसके बाद ये भी पूरा महीना आपको मिला। जैसा ही सितंबर आ गया, सभी स्टूडेंट्स में एक तरीके का टेंशन, बदलाव, चेंज। क्या चेंज? अब हम क्या करें? S7 हमारा आ गया है, S7 के प्रिपरेशन हम कैसा करें? एक टेंशन सभी स्टूडेंट्स में। क्यों? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुड स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिल्कुल लो, वीक स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी एग्जाम हो दो अपना एग्जाम आसानी से लिख सकते हैं, वो लोगों को कोई बात की टेंशन ही नहीं है। ये एवरेज स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा परेशान होंगे, इधर उधर डगमग रहेंगे, 50-50 चांसेस, एग्जाम अच्छा भी जा सकता है, एग्जाम खराब भी जा सकता है, ये वो लोगों को डाउट रहेगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत है, कहां से पढ़े, किधर से पढ़े, कैसा पढ़े, सडनली चेंज, क्या करें? अब हमने ना ही जून में पढ़ा है, ना ही जुलाई में पढ़ा है, ना ही अगस्त में पढ़ा है। अब ये सितंबर आ गया तो इसके अंदर सिर्फ हमको रिवीजन करना है, यहां पर पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि यहां पर आपको 5th से एग्जाम से आपके 5th 10 2023 से यहां से एग्जाम से आपको 11th तक, यहां पर आपको रिवीजन नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द 20 डेज, क्योंकि हॉलीडेज बहुत ज्यादा है इस मंथ में। संडेज, 4 संडेज, 3 हॉलीडेज निकाल लेंगे, 7 डेज कट हो जाएंगे, 30 डेज में से 7 डेज अगर माइनस करेंगे 20 डेज, 3 डेज बचेगा। यहां पर एक 3 डेज अगर आप ले सकते हैं, टोटल 26 डेज। ये 26 डेज में आपको पढ़ना है 7 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट को आप 3.5 डेज दे सकते हो, एक सब्जेक्ट को 3.5 डेज दे सकते हो। लेकिन ये स्टूडेंट्स है, ये लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो लोग फायदा उठाए हैं, हर लेसन का प्रॉपर वर्क किए हैं, हर FA1 अच्छी तरह लिखे हैं, FA2 भी अच्छा लिखे हैं, वो लोग अपना वर्क स्मूथली करते हुए जा रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट्स, ये लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग अगर आप नहीं कर पाए तो एग्जाम्स के बाद तो कवर कर लेंगे, ये लोगों का दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इन स्टूडेंट्स का, मैं जानता हूं मोस्ट ऑफ द 50-60% स्टूडेंट्स ये कैटेगरी में है ये स्टूडेंट। अब वो लोगों के अंदर सडनली एक टेंशन पैदा हुआ है, एक टेंशन जारी हो गया है कि अब हम क्या करें, हम कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। डरिए मत, अभी टाइम है आपके पास, 1 मंथ भी कम नहीं होता है, 1 मंथ भी ज्यादा होता है। मेरे चैनल पर फॉलो कर लीजिए, आपको मैं मटेरियल आप तक पहुंचाऊंगा। पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना पढ़ोगे, कितना रिवीजन करोगे, वो आप पर डिपेंड है। मैं फोर्स नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बतला सकता हूं कि ये पढ़िए, अपलोड कर सकता हूं कि ये पढ़िए, बस आपको इतना ही कह सकता हूं, रिमेनिंग आपकी जिम्मेदारी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स तो वेरी गुड है, वीक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स भी, ये जो एवरेज स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स भी इन स्टूडेंट्स में आ सकते हो, थोड़ी बहुत अगर मेहनत आप लोग करोगे। और ये स्टूडेंट्स भी ये एवरेज स्टूडेंट्स में ज्वाइन हो सकते हो, थोड़ी बहुत अगर मेहनत करोगे। उसके लिए क्या करना होगा आपको? अभी से
इस वीडियो को मैंने देखा हूं, चलिए अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। हर सब्जेक्ट को एक रोजाना टू सब्जेक्ट्स को एक एक घंटा या दो दो घंटे या टाइम मिला तो तीन तीन घंटे आपको पढ़ना होगा। मैं जानता हूं आप स्कूल को भी जाते हैं, उतना टाइम आपको नहीं मिल पाता, स्कूल का वर्क भी होता है, स्कूल का आपके पास होमवर्क भी होता है, लेकिन एटलीस्ट वन आवर तो आप निकाल सकते हो। वन आवर एक सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ोगे, अगर गुड स्टूडेंट है पढ़ लिए हैं तो रिवीजन, एवरेज स्टूडेंट है तो अगर डगमग है तो लोग अपना परफेक्ट करना है, वीक स्टूडेंट है तो सीरियसली अगर एक दो घंटे अगर आप एक एक घंटा निकाल कर टाइम पढ़ेंगे तो आप आसानी से कवर कर पाएंगे। मैं पहले से मोटिवेशनल स्पीच हर संडे आप उठाकर देखिए, एजुकेशन की बात होती है, मैं कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं किया हूं, हर संडे समझाया है मैंने, पढ़ना स्टार्ट करीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सिलेबस 70% सिलेबस है आपको, S7 में 75% सिलेबस है, मामूली सिलेबस नहीं है, एटलीस्ट 70, चलिए मैं चाहता हूँ 70 आप छोड़ दीजिए, 50% सिलेबस समझिए, 50, अगर आप 80 मार्क्स में से क्या 50 मार्क्स नहीं ला पाओगे, ला सकोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सीरियसनेस चाहिए, थोड़ा स्टडीज के ऊपर फोकस चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो लोग अपने स्टडीज को ईजी ले रहे हैं, जो ईजी अगर ले रहे हैं वो लोगों का एग्जाम्स उतने ही टफ जाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं शायद अभी तक रिवीजन नहीं स्टार्ट किए हैं, अभी तक अपने लेसन्स ही पढ़ते जा रहे हैं। देखिए आप जब तक अपने रिवीजन को टाइम नहीं निकालोगे, जब तक अपना रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपको अपना जो प्रीवियसली पढ़े वो याद नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ स्कूल का आप पढ़ते हैं, गुड, वेरी गुड, लेकिन स्कूल के साथ साथ रिवीजन कब करोगे? आपका टीचर का काम है सिलेबस खत्म करना, आपके टीचर तो अपना सिलेबस ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी है, क्योंकि टीचर का काम है लेसन पढ़ा देना, टीचर को पढ़ना नहीं है पीछे का, लेसन आगे बढ़ना है लेकिन आपको पीछे का पढ़ना है, एग्जाम लिखना है आपको, टीचर को एग्जाम लिखना नहीं है, दोनों में यही डिफरेंस है। आप सोचेंगे हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ चलूंगा, बिल्कुल चलिए, फिर पीछे का कौन पढ़ेगा, वो आपको ही पढ़ना है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी सडनली आपके अंदर चेंज आ गया है S7 को लेकर, तो मैं चाहता हूँ वो सडनली चेंज को आप कन्वर्ट करें अपने मार्क्स में, अपने रैंक में, अपने स्टडीज में, सडनली चेंज। आपके टीचर बोलना चाहिए कि अरे ये स्टूडेंट तो कल तक नहीं पढ़ता था और सडनली कैसे पढ़ने लग गया, ये टीचर को कल तक, स्टूडेंट को कल तक मार्क्स नहीं आते और सडनली कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ये चेंज आपने होना चाहिए S7 के लिए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़िए, उतना टफ नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको आएगा, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही फल आप पाओगे। अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं एग्ज़ाम के वक्त पढ़ूंगा, एग्ज़ाम से दो दिन पढ़ूंगा, एग्ज़ाम से चार दिन पहले पढ़ूंगा, एग्ज़ाम से आठ दिन पहले पढ़ूंगा, कितना पढ़ पाओगे, क्या पूरे चैप्टर आप पढ़ पाओगे? नहीं। अगर आपको एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाना है तो अभी से आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। मैंने कहा है थ्री डेज आपने उर्दू ख़त्म किया है, ठीक है, थ्री डेज में हिंदी, यह ठीक है, थ्री डेज तेलुगु, ठीक है, थ्री डेज मैथ्स, या नहीं तो आप ऐसा डिवाइड कर लीजिए कि जो आप लैंग्वेजेस इंग्लिश हिंदी उर्दू तेलुगु सोशल इन सब्जेक्ट को एक एक दो दो तीन टाइम देकर, जो आपको टफ लगते हैं मैथ्स फिजिक्स साइंस फिजिक्स बायोलॉजी इन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आप डिवाइड कर लीजिए, आप पर डिपेंड है, मैं डिवाइड करके दूंगा तो मेरा टाइम टेबल होगा, वो आप अपने आप से डिवाइड करना है कि आपको कौन सा टफ लगता है कौन सा ईजी लगता है, तभी आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह दे पाओगे। एवरी टाइम आपको मोटिवेट करता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं वीडियोस, एटलीस्ट देखते नहीं, मैं रिवीजन स्टार्ट करके एटलीस्ट 3-4 डेज हुआ लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे स्टूडेंट नहीं, कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स पढ़े, जो वीक स्टूडेंट्स है वो भी अच्छे मार्क्स लाए, गुड स्टूडेंट्स है वो लोग तो और अच्छे मार्क्स लाए, एवरेज स्टूडेंट्स है वो लोग भी मार्क्स लाए, क्योंकि हम एक टारगेट एक एम से पढ़ते हैं कि हम 10th किसी तरह पास होना है। कोई भी स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट्स रहो, चाहे उसको रीडिंग भी ना मताओ या रीडिंग करने के लिए नहीं आ रहा है, लिखने के लिए भी नहीं आ रहा, वो भी स्टूडेंट्स का एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं 10th क्लास में किसी तरह पास होऊंगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना, मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ऑल द